Let's do question number 38 of exercise 17D. Question number 38 is, a milk container is made of metal sheet in the shape of a frustum of a cone. एक milk container है जो metal sheet से बना हुआ है और वो frustum of cone की shape में है. Whose volume is, जिसका volume 104593/7 है. 10459 होल में है और 3/7 सेंटीमीटर क्यूब है. The radii of its lower and upper circular ends are, उसका रेडियस दे रखा है नीचे का 8 सेंटीमीटर और ऊपर का 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. हम पहले मिल्क कंटेनर बना लेते हैं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं. देखिए ये हमारा मिल्क कंटेनर है, उसका हमें वॉल्यूम दे रखा है. वॉल्यूम ऑफ मिल्क कंटेनर कितना दिया हुआ है उसने, 104.59 होल में है, 3/7 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है और उसने रेडियस दे रखा है नीचे का 8 सेंटीमीटर ऊपर का 20 सेंटीमीटर. तो नीचे का 8 सेंटीमीटर और ऊपर का है हमारा 20 सेंटीमीटर. अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज इन मेकिंग द कंटेनर एट द रेट ऑफ रुपीज 1.40 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें मेटल शीट की हमें यूज्ड बताना है कि कितनी यूज्ड हुई है और अगर उसकी कॉस्ट 1.40 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितनी लगी ये बताना है. अब मेटल शीट कितनी लगी ये पता करने के लिए हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा. अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा. टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें हाइट का पता होना जरूरी है, जो किससे मिलेगी, वॉल्यूम से मिलेगी. तो हम वॉल्यूम से हाइट पता करते हैं. तो पहले लेट द हाइट ऑफ कंटेनर बी एच सेंटीमीटर है हाइट, राइट. और हमारा रेडियस ऑफ टॉप कितना है, रेडियस ऑफ टॉप है हमारा 20 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बॉटम है हमारा 8 सेंटीमीटर, राइट. तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा, दैट इज पाई एच अपॉन 3 इंटू रेडियस ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ टॉप का स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ बेस इंटू रेडियस ऑफ टॉप. तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, 104.59 3/7 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू कुछ कह नहीं रहा है तो 22/7 लेंगे. एच हमें नहीं पता तो एच अपॉन 3. रेडियस ऑफ बेस क्या है 8, तो 8 का होल स्क्वायर. टॉप है हमारा 20, 20 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 20. तो ये कितना आ गया, देखिए इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं. तो 104.59 इंटू 7, 7 9 63, 35 41, 7 4 28, 32 7 1 7 प्लस 3, तो ये आ गया 73216 अपॉन 7 आ गया इक्वल्स टू 22H अपॉन 7 3 21 इंटू 8 8 64, 420 का स्क्वायर हो गया और ये आ गया 160. तो इसको क्या लिख सकते हैं, 73216 अपॉन 7 equals to 22H upon 21 into इन तीनों को ऐड करके कितना आएगा, 400 500 and 624 आ रहा है. देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं, 4 6 + 6 = 12 कैरी 1 624, राइट. ये आ रहा है. तो H कितना आ गया, देखिए 73216 अपनी जगह 21 मल्टीप्लाई में आ गया, अपॉन 7 थाई एंड इनटू
624 इंटू 22, राइट, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला गया और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया. अब देखिए 7 3s are 21. अब ये देखते हैं 11 से जाता है कि नहीं जाता है. 11 6s are 66 67 68 69 70 71 72 73. अगेन 72 6s are 66 61 50 11 5s are 55 66. यस 11 से चला जाएगा तो 11 2s are 22, 11 6s are 66 एंड 72 11 6s are 66 एंड 61 11 5s are 55 11 6s are 66. अब देखिए 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 8s are 16. अब देखिए 3 1s are 3, 3 2s are 6, 0 3 8s are 24. अब देखते हैं 2 1s are 2, 0 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 2. Now 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 6s are 12. Now 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 0 2 8s are 16. तो 13 से देखते हैं 13 से जाता है कि नहीं जाता है. 13 1s are 13, 78. यस 13 6s are 13 1s are 13, 13 6s are 78. तो हाइट हमारी कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर आ गई. अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो टोटल सरफेस एरिया इस मिल्क कंटेनर में जहाँ जहाँ मेटल शीट यूज़ हुई होगी वहाँ वहाँ निकालना है. तो ये सर्कुलर पार्ट पे और एक बेस पे, तो हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया. अब एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर लेकिन बेस का रेडियस, प्लस लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई एल इंटू रेडियस ऑफ बेस प्लस रेडियस ऑफ टॉप. तो पाई कॉमन आया तो क्या बचा अंदर, रेडियस ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस एल इंटू रेडियस ऑफ बेस प्लस रेडियस ऑफ टॉप, राइट. अब पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू रेडियस ऑफ बेस है हमारा 8, 8 का स्क्वायर. अब एल कितना आएगा, देखिए यहाँ करके दिखा रही हूँ. एल होता है, एल स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ टॉप में से रेडियस ऑफ बेस माइनस कर देंगे उसका स्क्वायर. तो हाइट हमारी निकल के आई 16 का होल स्क्वायर. देखिए ये रही हमारी हाइट 16 और हमारा टॉप का रेडियस था 20 और बेस का था 8. तो प्लस 20 - 8 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस हमारा 20 में से 8 गया 12, 12 का स्क्वायर होता है 144. तो ये कितना आ गया, 10 carry 1 10 carry 1 4. एल स्क्वायर आ गया 400 और एल आ गया हमारा √400, दैट इज 20 सेंटीमीटर. तो ये आ गया हमारा 20 × 8 + 20, राइट. बेस का रेडियस और टॉप का रेडियस लिख दिया. तो 22/7, 8 का स्क्वायर हुआ 64 प्लस 20 × 28, 0 एज इट इज, 28 2s are 56. ये आ गया, तो ये आ गया 22/7 इंटू 4 12 carry 1 6, दैट्स इट. अब ये कैंसिल होता है कि नहीं होता है, 8s are 56 64 नहीं होता, तो हम एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आया इंटू 22, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 8 4 2 and 1. तो ये आ गया 8 12 carry 1 7 3 and 1, 13 7 28/7 सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर में आ गया टोटल सरफेस एरिया जहाँ जहाँ शीट यूज हो रही है. अब हमें कॉस्ट कितनी दी हुई है शीट की, अब देखिए हमें कह रहा है कॉस्ट दी हुई है 1.40 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ मेटल शीट कितनी है,
मेटल शीट है रुपीज़ 1.40, तो जितना हमारा एरिया है उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, 13728 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, एक की दीवी है ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 1.40। देखिए पॉइंट हटाया, नीचे दो जीरोस लगी, एक जीरो से एक जीरो गया, 7 2s are 14, दैट्स इट। तो ये कितना आ गया, रुपीस 2 8s are 16, कैरी 1 2 2s are 4 and 5, 2 7s are 14, कैरी 1 2 6 3s are 6 7 and 2 1s are 2 अपॉन 10। तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो हमारा कितना आ गया, 2745.6 रुपीस। हमारी मेटल शीट की कॉस्ट कितनी आ गई, 2745.6 रुपीस आ गई हमारी शीट, मेटल शीट की कॉस्ट। आंसर हमारा बुक में आंसर गलत दे रखा है, राइट आंसर इज दिस, 2745.6।